Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English Classes, and this is Jyoti. We have learnt present tense and past tense in our previous videos. Today, we are going to learn future tense. जैसे present tense और past tense की four different kinds होती हैं, उसी तरह से future tense को भी four kinds में divide किया जाता है, या इसकी भी four kinds होती हैं, जैसे future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. ठीक है? अगर हमने कोई भी बात future means जो आने वाला कल या आने वाला समय उसके बारे में हमने कोई भी बात करनी है तो हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो लेट्स लर्न एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. अब फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है? इसमें सब्जेक्ट आता है. देखो, बिना सब्जेक्ट के कोई बात ही नहीं होती. कोई काम करने वाला या कुछ बोलने वाला, कोई ना कोई तो व्यक्ति या कोई भी चीज होती ही है, तो सब्जेक्ट तो आता ही आता है. देन विल या शैल यूज करते हैं. आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, और बाकी पर्सन जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, उनके साथ हम विल यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर आप आई और वी के साथ भी अगर विल यूज करेंगे तो ओके, गलत नहीं होगा वो. ठीक है, सो विल एंड शैल यूज करते हैं. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट. और कब और क्यों यूज होता है, इस टेंस का क्या यूजेस है? इस टेंस को हम तब यूज करते हैं उन बातों को बताने के लिए जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि होनी ही होनी है इन फ्यूचर. फ्यूचर में वो बातें होनी ही होनी है, पक्का. उसके बारे में हम यूज करते हैं, या फिर हम कुछ सोच लेते हैं कि ये होगा, ऐसे होगा. मतलब कोई भी बात जो फ्यूचर में होनी है उसके बारे में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, और इसमें सब्जेक्ट और विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज होती है. तो शी विल बी एन आईपीएस नेक्स्ट मंथ. अब उसकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली होगी, तो अब ये तो क्या हुआ कि शी विल बी एन आईपीएस नेक्स्ट मंथ. वो बनेगी ही बनेगी आईपीएस. ओके, द दिवाली विल बी ऑन 15th November. अब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. दिवाली तो आएगी ही आएगी, तो कब आएगी? Will be on 15th November. ठीक है? अब I hope she will perform well in her exam. तो we also use this tense to talk about things we think will happen in future. या हमें लगता है कि ये चीज होगी future में. वो क्या होगी यहाँ पे? आई होप शी विल परफॉर्म वेल इन हर एग्जाम. वो अच्छा करेगी अपने एग्जाम में. आई एम श्योर ही विल एक्सेल इन द क्लास. तो ये एक ही तरह के हैं. तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, नाउ अब फ्यूचर टेंस को कई अलग तरीके से भी बोला जाता है. इसमें जरूरी नहीं है कि हम विल यूज या शैल यूज करके ही, और भी कई तरीके हैं जिससे हम फ्यूचर टेंस इंडिकेट करते हैं या बोल सकते हैं, या फ्यूचर टेंस की कोई भी घटना को हम इस तरीके से बोल सकते हैं. तो किस तरीके से? गोइंग टू फॉर्म यूज करके भी हम फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं. गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. When we have decided to do something before talking about it, मतलब जब हमने कुछ decide कर लिया हो किसी चीज के बारे में, मतलब अभी बताया नहीं है लेकिन पहले हमने mind में decide कर लिया कोई चीज, तब हम going to form use करते हैं. ठीक है, और कब करते हैं? When
समथिंग सीम्स लाइकली और सर्टेन, हमें लगता है कि ये पक्का होगा या संभावना है ऐसा होने की। संभावना कब होती है? फ्यूचर में ही होती है ना, तो फिर हम गोइंग टू फॉर्म यूज करते हैं। या फिर व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट व्हिच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, मतलब कुछ ऐसा है प्रेजेंट में कि जिससे हमें लग रहा है कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ऐसा होगा। अब एग्जांपल बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा। फॉर एग्जांपल पहले हम देखें, डिसाइडेड टू डू थिंग्स बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, हैव यू डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। अब पूछा जा रहा है कि तुमने क्या डिसाइड कर लिया है कि पार्टिसिपेट करोगे, तो यस आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। अब ये फ्यूचर की ही बात हो रही है, ठीक है, गोइंग टू फॉर्म लगाकर भी हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। अब गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, ये फ्यूचर में ही इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा या करेगी। व्हाई डू यू वांट टू गो अब्रॉड, अब यहां से पूछा जा रहा है कि भाई तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो, विदेश क्यों जाना चाहते हो। आई एम गोइंग टू सेटल देयर, रीजन क्या है? आई एम गोइंग टू सेटल देयर, तो ये डिसाइडेड। अब आया कि शी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, अब ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, लाइकली या सर्टेन है कि शी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन इन फ्यूचर। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये हमेशा माइंड में रखो, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में ही बात हो रही है, और इसको हम गोइंग टू लगाकर भी कह सकते हैं। एंड दे आर गोइंग टू टेक पोजेशन ऑफ द हाउस, अब मतलब कुछ प्रेजेंट में है जिससे पता लग रहा है कि फ्यूचर में ये होगा, जैसे घर किसी का बन रहा होगा तो बनने वाला ही होगा, तो उसकी पोजेशन जो है वो होने वाली है, वो शिफ्ट करने वाले हैं। देन दे आर गोइंग टू टेक पोजेशन ऑफ द हाउस, ओके, तो ऐसा भी हमने अगर कहना हो तो हम गोइंग टू फॉर्म लगा करके कह देते हैं। तो जरूरी नहीं है विल या शैल, हम गोइंग टू फॉर्म लगाकर भी फ्यूचर टेंस की बात कह सकते हैं। नाउ अबाउट टू, अबाउट टू बी अबाउट टू, अब अबाउट टू भी लगा करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके, बेस फॉर्म लगा करके या फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम इमीडिएट फ्यूचर के बारे में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो इस कैसे यूज करेंगे ये हम सीखेंगे। लेट्स गेट इनटू द मेट्रो इज अबाउट टू लीव, अबाउट टू यूज किया हमने यहाँ पे। लेट्स गेट इन टू द मेट्रो, चलो चढ़ जाते हैं मेट्रो में, चले जाते हैं, या इट्स अबाउट टू लीव, फटाफट चढ़ो नहीं तो ये जाने वाली है। अबाउट टू, ये भी फ्यूचर टेंस को कहने का एक अलग तरीका है, ये एक और तरीका है। अबाउट टू, इट इज अबाउट फ्यूचर। डोंट गो आउट ऑफ क्लास, We are about to start a new topic. तो एकदम इमीडिएट अभी हम कुछ करने वाले हैं तो उसको अबाउट, और करने वाले कब होंगे? नेचुरली फ्यूचर में ही होंगे। डोंट टच द क्रैकर इज अबाउट टू एक्सप्लोड, तो फिर एक अबाउट टू, बस होने ही वाला, एक्सप्लोड होने वाला है, इसको टच मत करना क्रैकर को। द प्रोजेक्ट इज अबाउट टू कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला नहीं वाला है। तो ये भी एक तरीका है, जैसे गोइंग टू फॉर्म यूज करते हैं उसी तरह से अबाउट टू लगाकर भी हम फ्यूचर टेंस के बारे में कह सकते हैं, ओके? अब आया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस मींस कंटिन्यूटी में, हो रहा है, जैसे हो रहा था, हो रहा है, अब हो रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और विल बी यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है एंड देन ऑब्जेक्ट। और कब यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हो रहे होंगे,
या टू टॉक अबाउट प्लान एक्शंस इन फ्यूचर और एक्सपेक्टेड टू हैपन, या हम कोई फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं कि ये काम हम तब करेंगे, तो उसके बारे में भी जब हम कह रहे होते हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी सेलिब्रेटिंग, विल बी, मैंने कहा ना विल बी यूज करते हैं क्योंकि विल बी तब यूज होगा क्योंकि हम ये कंटिन्यूटी में काम हो रहे हैं, और विल बी सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री टुमारो एट दिस टाइम, कल वो क्या कर रहा होगा, अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा कल, आने वाले कल, ठीक है। दिस टाइम टुमारो वी विल बी प्लेइंग द मैच, भी कल इस वक्त हम मैच खेल रहे होंगे, कल ना अगले कल इस समय हम मैच खेल रहे होंगे, विल बी प्लेइंग। वी विल बी स्टेइंग इन शिमला टिल संडे, तो हम प्लानिंग क्या है कि संडे तक हम शिमला में रह रहे होंगे, विल बी स्टे, किस तरीके से यूज करते हैं। चिल्ड्रन विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, चिल्ड्रन विल बी विजिटिंग, तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे जो है वो नेक्स्ट वीक विजिट कर रहे होंगे। देन बी टू, अब बी बी यूज करें लेकिन बी का मतलब नहीं बताया, आई एम सॉरी, तो बी मीन्स ये जो फॉर्म्स होती है ना, इज एम आर वॉज वर बीइंग बीन, इनको हम कहते हैं बी टू फॉर्म, ठीक है। बी इज, ये एट होती है, बी इज एम आर वॉज वर बीइंग बीन, इन सबको हम बी कह देते हैं कॉमनली, ठीक है। अब बी टू लगाकर भी या टू लगाकर भी हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, कैसे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स, अगर हम कोई फॉर्मल बात करनी हो फ्यूचर प्लान्स के बारे में या अरेंजमेंट्स के बारे में, फॉर्मल बात, तब हम बी टू और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कैसे। The British Prime Minister is to visit India on the Republic Day. The British Prime Minister is to visit. ठीक है, मैंने कहा बताया ना आपको is, am, are, was, were, been, be, तो कुछ भी इसमें से जो suitable होता है वो हम be form लगाते हैं। तो the British Prime Minister is to visit. Is to visit. First form of the verb आ गया visit. India. On the Republic Day. तो ये official बात है या formal बात है, तो हम इस तरीके से use करते हैं। और आपने देखा होगा कि newspaper में कैसे कहते हैं, the British Prime Minister visits India on the Republic Day. या the British Prime Minister to visit India on Republic Day. Is नहीं बोलेंगे, वो shortcut करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। The committee is to discuss efficacy of the vaccine. Is to discuss the efficacy of the vaccine. तो ये भी future event के बारे में बताया जा रहा है। Both the nations are to negotiate the bilateral trade. तो both the nations are going to, वगैरह नहीं यूज किया, मतलब वही है इसका कि कंटिन्यूटी की बात हो रही है लेकिन फ्यूचर में, पर यूज क्या किया हमने, बी टू फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। देन द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस एनवायरमेंट इश्यूज, इज टू डिस्कस, is going to discuss, ing form आना नहीं लगाया, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, okay? Now future perfect tense, जैसे present perfect था, past perfect था, बात मतलब जो भी काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे यह हो चुका है, यह हो चुका था past में, हो चुका होगा in future, okay? इसमें क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर
जाए, फ्यूचर में, फ्यूचर के किसी टाइम में खत्म होगा, ठीक है, हो चुका होगा तो हम हो चुका था, है नहीं, हो चुका होगा फ्यूचर में। आई शुल हैव रिटन माई बुक बाय देन, मेरी मैं अपनी किताब लिख चुकी होंगी तब तक, कब तक, फ्यूचर के में बता रही हूँ कि उस वक्त तक तो मैं अपनी किताब लिख चुकी होंगी। शेल हैव रिटन माई बुक, द क्रॉप विल हैव हार्वेस्टेड बाय नेक्स्ट मंथ। क्रॉप जो है हार्वेस्ट या काटती होगी नेक्स्ट मंथ तक। बाय द नेक्स्ट ईयर हर सन विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री, अगले साल तक, इस समय तक उसके बेटे की डिग्री खत्म हो चुकी होगी, चुकी होगी, विल हैव कंप्लीटेड बाय 2022, दिस प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड, तो 2020 तक ये प्रोजेक्ट हो चुका होगा। ओके, तो ये फ्यूचर टेंस इस तरीके से यूज करते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका ज्यादा यूज तो नहीं होता लेकिन हमें मालूम होना ही चाहिए फिर भी। इसमें सब्जेक्ट शेल हैव बीन या विल हैव बीन, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर, एंड देन टाइम पीरियड दिया होता है। तो कब यूज होता है? टू टॉक अबाउट द एक्शंस व्हिच विल बी प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर, मतलब एक कोई भी काम जो वो चल रहा होगा और फिर वो कभी आगे जाके वो खत्म होगा। बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, अगले साल, अगले मंथ उन्हें 10 साल हो गए होंगे इस घर में रहते हुए। ओके, बाय नेक्स्ट मंथ, ये आपको फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है, दे विल हैव, और ये कंफर्म कर रहा है इस बात को कि दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट मंथ। इसी तरह से बाय डिसम्बर दिस ईयर पीपल विल हैव बीन कम्बेटिंग कोरोना फॉर 2 ईयर्स, 2 साल हो गए होंगे अगले साल कोरोना से लड़ाई करते हुए या इस महामारी से निपटते हुए। ऑन संडे आई विल हैव बीन प्लेइंग चेस विद यू फॉर अ वीक, तो इस संडे को हमें चेस खेलते हुए कितना समय हो गया होगा? 1 हफ्ता हो गया होगा फ्यूचर में खेलते खेलते। बाय देन दे विल हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर 2 ईयर्स, तब तक उन्हें 2 साल हो गए होंगे दूसरे को जान जान पहचान करते हुए। तो ये है, इस टेंस को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए कि ये डिफरेंट काइंड है इसकी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अबाउट द टेंसेस, तो हमने आज अपने टेंसेस खत्म कर लिए हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ही वीडियो होनी चाहिए पूरी टेंसेस की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।